नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बंगाल के चुनावी घमासान में टक्कर बड़ी जबरदस्त है। ममता बनर्जी बार बार बंगाली बनाम बाहरी की बात करके बीजेपी पर निशाना साधती हैं, लेकिन बंगाल की धरती के सपूतों की धरोहर को संवारने का ममता के पास वक्त ही नहीं है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के घर की हालत देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। जिस महापुरुष ने अपने गीतों से आजादी के आंदोलन में धार लाई, आज उनका घर बदहाल है। आज दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पर जाने वाले हैं। उससे ठीक पहले हमारी रिपोर्टर अर्चना सिंह ने बंकिम चंद्र के घर से एक खास रिपोर्ट भेजी है, इसे देखिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, जिसने आजाद मातरम भवन, जिसे बंकिम भवन भी कहते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में अपने भाषण के दौरान किया, इस भवन का क्या हालत है ये दिखाने के लिए हम इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी 5 साल रहे, उनकी तस्वीर यहां पर आपको दिखेगी और इसके पास ही उनकी पत्नी की तस्वीर भी यहां पर है। इसके अलावा यहां पर आपको अगर वंदे मातरम से जुड़ा कुछ भी दिखेगा तो ये चंद यहां पर तस्वीरें लगी हुई हैं, जिनमें नीचे लाइनें लिखी हुई हैं जो वंदे मातरम की हैं। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्त्र श्यामलम मातरम, यही तस्वीरें हैं सिर्फ जो आपको बताएंगी कि यहां पर वंदे मातरम की रचना की गई, यहां पर मां काली की ये मूर्ति है। लेकिन देखिए स्थिति क्या है, यहां पर गंदगी का अंबार है। ऐसा लग रहा है कि इस जगह की कभी सफाई भी नहीं होती है, यानी रख रखाव के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं है। और अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से जुड़ी स्मृतियां, उनकी यादें, उनकी चीजों को आप जब इस भवन में प्रवेश करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि आपको दिखेगी ऐतिहासिक विरासत, यहां की सांस्कृतिक विरासत, तो ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएगा, आप बेहद मायूस होंगे। यहां पर उनके परिवार की सिर्फ एक तस्वीर है जिसमें ये उनके पिता हैं। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के 3 भाई हैं, वो 4 भाई थे। उनकी तीनों बेटियों की तस्वीरें हैं, सबसे बड़ी बेटी ये है और बड़ी बेटी के पति की वो तस्वीर है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ तस्वीरें और हैं, ये वो लोग हैं जो उस दौर में मिलने आते थे यहाँ पर बंकिम चंद चट्टोपाध्याय से। ये ईश्वर चंद विद्यासागर हैं, जिन जो मिलने आते थे, जिनसे बातचीत होती थी। ये देखिए अब इस जगह का हाल देखिए, जहाँ पर वंदे मातरम की रचना हुई, वो वंदे मातरम जिसे आनंद मठ में स्थान मिला, वो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत बना आजादी से भी 10 साल पहले 1937 में। ऊपर आप देखेंगे यहाँ हर तरफ जाले लगे हुए हैं, गंदगी है, रख रखाव कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। ये हेरिटेज बिल्डिंग है, यहाँ पर ये देखिए ये सुभाष चंद्र बोस का एक पोस्टर है, वो भी ऐसे ही साधारण सा एक पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। गंदगी आपको हर जगह दिखेगी, आपको इस बिल्डिंग को देखकर कहीं पर ये एहसास नहीं होगा कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है जिसका रख रखाव अच्छा होना चाहिए, जो यहाँ की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा हुआ है। इधर जब आप देखेंगे तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ कूड़ा नजर आएगा। ये देखिए ऐसा लग रहा है जो कबाड़ की चीजें हैं वो यहां पर रख दी गई हैं, इसके रख रखाव में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। 2006 में ये बिल्डिंग दोबारा बनाई गई क्योंकि ये ढह चुकी थी, इसका जीर्णोद्वार किया गया, ये बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन उसके बाद इसके रख रखाव की सुध किसी ने नहीं ली। 2010 में टीएमसी की सरकार आई और उसके बाद जो यहां पर प्रस्तावित थी लाइब्रेरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम पर, वो भी यहां पर नहीं बनाई गई। ये देखिए यहां पर ये सामान पड़ा हुआ है, ये टूटी कुर्सी अपनी कहानी बयां कर रही है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो लगता है ये लैंप शेड्स हैं, लाए गए थे यहां लगाने के लिए, लेकिन अब ये यहां पर कोने में इसी तरह इस कबाड़ में पड़े हुए हैं। गंदगी आपको हर जगह दिखेगी, रख रखाव कहीं पे भी नहीं है, जबकि जो हेरिटेज बिल्डिंग होती है उसका रख रखाव किया जाता है। बंगाल के लिए कहा जाता है
कि वो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सिर्फ संजोता नहीं बल्कि उसके साथ रोज जीता है। लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ और बयां करेगी। यहाँ की तस्वीर कहेगी कि ऐसा लगता है कि बंगाल बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की इस भूमि को भूल गया है जहाँ पर उन्होंने वंदे मातरम की रचना की, जिसने आजादी के दीवानों में एक नया जोश भर दिया, एक ऐसा गीत जिससे अंग्रेज भी डर गए और उन्होंने इसे पब्लिकली गाने पर अपराध घोषित कर दिया। यानी इतना डर था उनके मन में, ऐसे गीत की जहां संरचना हुई, ऐसे महापुरुष जहां पर रहे वो यहां पर आए। 5 साल उन्होंने प्रवास किया, जब उनका ट्रांसफर हुआ हावड़ा से, परिवार के साथ यहां रहे, लेकिन यहां की तस्वीरें देखकर आपका दिल दुखी होगा। ये देखिए, जहां पर भी आप देखेंगे सिर्फ गंदगी ही गंदगी आपको नजर आएगी, कहीं पर उनकी धरोहर की निशानी नहीं है। जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं जो ऐतिहासिक हो तो आपको लगता है आप उस व्यक्ति से जुड़ी धरोहरें देखेंगे, उसकी निशानियां देखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसी कोई उम्मीद करके यहां पर आ रहे हैं तो मेरी मानिए, आपको सिवा गंदगी के कुछ नहीं मिलेगा। ये कुर्सी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें बैठते थे बंकिम चंद चटर्जी, और शायद इसी में बैठकर उनके मन में कभी वंदे मातरम का विचार आया होगा, जिसने आजादी में इस गीत ने एक ऐसी भूमिका निभाई जिससे डर गए थे अंग्रेज भी। लेकिन अब यहाँ का रख रखाव कोई नहीं कर रहा है। ये जो बिल्डिंग है ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन अगर इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत काम होता है तो कॉरपोरेशन लेवल पर ही होता है। राज्य सरकार की तरफ से पूरे तौर पर अनदेखी की गई है इस बिल्डिंग की, इस सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत की। राजनीतिक पार्टियां ऐसा लगता है राजनीतिक विरासत हासिल करने की तो होड़ में रहती है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं छूट जाती है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर। जबकि बंगाल में जो इस वक्त लड़ाई है वो राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक लड़ाई भी है, लेकिन उस लड़ाई में भी ये तस्वीर कुछ और कहानी बयां कर रही है। जो बात कही गई हुगली में प्रधानमंत्री की तरफ से, वो यहां पर इंडिया टीवी के कैमरे की से आप देखेंगे तो आपको वो तस्वीरें भी सच नजर आएंगी। ये देखिए, ये हुगली नदी है, इसके उस पार कठालपाड़ा नुई हाटी है। ये वो जगह है जहां पर बंकिम चंद चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ, वहीं पर वो बड़े हुए, पले बढ़े, लेकिन जब वो ट्रांसफर होकर यहां आए तो कुछ समय वो 5 साल तक यहां रहे। इसीलिए ये धरोहर है, ये इसीलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर वंदे मातरम लिखा गया, जिसके दो अंतरों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया 1937 में, आजादी से पहले ही, और जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले पोलिटिकली पब्लिकली इसको गाया और उसके बाद इसका मान और बढ़ा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकारें राजनीतिक विरासत हथियाने में तो एक दूसरे से होड़ में लगी हैं, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत संजोने का किसी के पास समय नहीं है। बंकिम भवन में जहां पर वंदे मातरम लिखा गया, वंदे मातरम भवन में कई कमरे हैं, एक कमरा और है जो आपको दिखाते हैं, जहां की स्थिति आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर रख रखाव दरअसल होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस कमरे में कबाड़ भरा हुआ है, इस कमरे में सारा कबाड़ भर दिया गया है। ये देखिए, शायद पहले ये कुछ तस्वीरें बनाई गई थी, इस बोर्ड में लगाई गई थी, एक कोलाज टाइप का बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब वो भी इस कबाड़ का हिस्सा है। यहां पर इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई होती है उसका ये पॉइंट है, और इसके आसपास आप गंदगी देखिए, यहां पर अंदर आने में भी आपको सोचना पड़ेगा। और ये इस हेरिटेज बिल्डिंग का हिस्सा है, ये उस जगह का हिस्सा है जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी प्रधानमंत्री ने अपनी हुगली की सभा में जो बात कही है वो पूरे तौर पर सही है, और ये कैमरा आपको इसकी तस्दीक कर रहा है, क्योंकि कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये सीधी तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं वंदे मातरम भवन से, और ये तस्वीरें अपने आप में यहां की पूरी दास्तां, पूरी कहानी बयां कर रही हैं। अर्चना सिंह की रिपोर्ट में आपने देखा कैसे बंकिम